वाराणसी के 31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान के लिए अगली तिथि 30 नवंबर नियत की है। सुनवाई के दौरान बांदा जेल से प्रकरण में आरोपी मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। अदालत ने सुनवाई के दौरान ADGC ज्योति शंकर उपाध्याय ने मौखिक रूप से कहा कि अब अभियोजन की ओर से सभी साक्ष्य पूर्ण हो गए हैं। वहीं वादी अजय राय के अधिवक्ताओं अनिज यादव व विकास सिंह की ओर से भी इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि अब कोई अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। अदालत ने प्रार्थना पत्र के अवलोकन व ADGC के मौखिक कथन को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की कार्रवाई समाप्त करते हुए आरोपी मुख्तार के बयान के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत कर दी। 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।